बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाज सुधार अभियान यात्रा एक बार फिर चर्चा में आ गई है। बाल विवाह, दहेज प्रथा और शराबबंदी समेत अन्य मुद्दों की समीक्षा के लिए निकाली गई अभियान यात्रा डीजीपी एसके सिंघल की एक बयान से चर्चा में आ गई है। बता दें कि समस्तीपुर में सीएम के कार्यक्रम के दौरान मंच से बिहार की डीजीपी एसके सिंघल ने लड़कियों को लेकर उनके अभिभावकों को अजीब गरीब सलाह दी। डीजीपी ने कम उम्र के लड़कों को अपराध में लिप्त होने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बेटियों को अपने माँ बाप की मर्जी से ही शादी करनी चाहिए। जो बेटियाँ माँ बाप की मर्जी के बगैर खुद फैसला ले रही हैं उनके साथ बुरा भी हो सकता है। डीजीपी एसके सिंघल ने कहा कि हमारी कई बेटियाँ शादी के लिए घर से बिना माता पिता की मर्जी के चली जाती हैं। इसके इतने दुखद परिणाम निकलते हैं, कईयों की हत्या हो जाती है, कई सारी बेटियां वेश्यावृत्ति तक पहुंच जाती हैं। उनका कोई ठिकाना नहीं रहता कि जिंदगी में वो क्या कर पाएंगी। इसका बहुत सारा दुख परिवार के सदस्यों और माता पिता को उठाना पड़ता है। अभिभावकों को सलाह देते हुए डीजीपी ने कहा कि वे अपनी बच्चियों से जुड़े रहें। अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए कि उनकी बच्ची घर से चली तो स्कूल पहुंची या नहीं, स्कूल पहुंची तो पढ़ाई हुई या नहीं, और घर के लिए होमवर्क मिला या नहीं। वहीं घर वापस आने के बाद भी बच्ची से जुड़े रहना चाहिए। डीजीपी ने सलाह दिया और कहा कि अभिभावकों को इस बात का पता करना चाहिए कि पढ़ाई के लिए घर से स्कूल के लिए निकली उनकी बच्ची को कहीं कोई परेशान तो नहीं कर रहा, लड़की खुश है या नहीं, ये पता करना चाहिए। बेटी किनके साथ उठ बैठ रही है, इस बात की जानकारी अभिभावकों को जरूर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन इस बात का ख्याल रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभिभावकों की होती है। वहीं लड़कों के लिए बिहार के डीजीपी ने सचेत किया और कहा कि आजकल कम उम्र के लड़के भी अपराध में लिप्त होने लगे हैं, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और कई सारी जो हमारी बेटियां हैं वो वेश्यावृत्ति तक में पहुंच जाती हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता जिंदगी में वो क्या कर पाएंगी क्या नहीं कर पाएंगी। एक और समस्या जो आ रही है सामने वो ये आ रही है कि कई सारी जो हमारी बेटियाँ हैं वो शादी के करने के लिए घर से बिना माँ पिताजी की मर्जी के चली जाती हैं, और इसके इतने दुखद परिणाम निकलते हैं, मतलब कईयों की तो हत्या हो जाती है, लड़का हो चाहे लड़की हो। और कई सारी जो हमारी बेटियां हैं वो वेश्यावृत्ति तक में पहुंच जाती हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता ज़िंदगी में वो क्या कर पाएंगी क्या नहीं कर पाएंगी, वो कुछ जो है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता है, और उसका बहुत ज़्यादा दुख जो है वो परिवार के सदस्यों को और जो है माँ पिताजी को उठाना पड़ता है। मैं अनुरोध करूँगा कि बेटा बेटी से लगातार बातचीत करें, उनको अच्छे से अच्छे संस्कार दें, उनकी भावनाओं को अच्छे से समझें, और अपने परिवार को बहुत मजबूती से भावनाओं के साथ जोड़ें, और उस परिवार की मदद से आप समाज एक प्रोग्रेसिव एक अच्छे से अच्छा समाज उसकी संरचना में अपना योगदान दें। वर्तमान में सरकार ने 37% आरक्षण दिया है पुलिस विभाग में, इसका बहुत फ़ायदा हमारी बेटियां उठा रही हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर इंटर तक उनको बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया जाएगा तो वो अपना जो है ध्येय में सफल होंगी, और अपना भी मान सम्मान ऊँचा रखेंगी, परिवार का मान सम्मान भी ऊँचा रखेंगे।